हाय गाइस, कैसे हैं? मैं हूं रिशित शाह टेली स्कूल से, और इस वीडियो में मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि हमारे जो जीएसटी के रेट्स होते हैं, हम एक साथ हमारे सारे स्टॉक आइटम्स में, स्टॉक ग्रुप्स में कैसे सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पे हमारे स्टॉक आइटम्स पहले से हैं। अगर मैं स्टॉक समरी में जाऊँ तो हमें दिख रहे हैं स्टॉक आइटम्स सारे, और ये जो पहला है वो स्टॉक कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का। अगर मैं उसके अंदर जाऊं तो तीन और स्टॉक आइटम है, कीबोर्ड, मोबाइल, माउस। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल का 12% रेट है और कीबोर्ड और माउस का अलग रेट है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके, तो यहाँ पे और यहाँ पे यस करके देखूँ तो यहाँ पे 18% रेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18%। तो यानी कि अगर मैं जल्दी से बाहर आ जाऊँ, कीबोर्ड का 18% रेट है, मोबाइल का 12% है, और माउस का कुछ और होगा। वो मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाता हूँ कि क्या क्या रेट हैं सब एक साथ। तो इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूँ कि आपके जो स्टॉक आइटम्स हैं और स्टॉक ग्रुप्स हैं उनका रेट जीएसटी का एक साथ आपको एक ही स्क्रीन पे सेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं और एक साथ सारे रेट को आपको एक बार चेक करना है, देखना है, तो भी आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल ऑप्शन टैली में आपको मिलता है वो सब एक साथ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में, यहाँ पे नीचे दिख जाएगा क्विट के ऊपर, और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में। मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि DOG डॉग करके एक शॉर्टकट है, तो वो डायरेक्टली आपको GST के रिपोर्ट में ले जाएगा। तो डॉग आप गेटवे ऑफ टैली से DOG प्रेस कीजिए तो आप GST रिपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है डॉग वाला शॉर्टकट, तो डिस्प्ले, फिर आपको जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जिसका शॉर्टकट है वो, जो लाल अक्षर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद हमें GST में उसका शॉर्टकट है G, जो भी लाल अक्षर में। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, और अगर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे GST रेट सेटअप, जो यही ऑप्शन की बात कर रहा था मैं, अब मैं इसमें अगर जाऊँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सारे जो स्टॉक आइटम्स हैं और ग्रुप्स हैं वो, और उनकी सारा जो डिटेल है टैक्स के लिए, जैसे एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि कौन सी डेट से GST रेट एप्लीकेबल है इन स्टॉक आइटम्स को या ग्रुप्स को। फिर HSN SSE, तो वो भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो मैंने फेक HSN डाला हुआ है आपको समझाने के लिए पिछले वीडियोज में। फिर टैक्सेबिलिटी, यानी कि टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल, निल रेटेड, नॉट फाउंड, जो भी है, या GST नॉट एप्लीकेबल, वो भी आपको दिखेगा। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, तीनों तीन टैक्स का अलग अलग, और सेस अगर किसी पे लगता हो तो वो। तो सारी डिटेल आपको एक ही स्क्रीन पे सारी स्टॉक आइटम्स की और स्टॉक ग्रुप्स की मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पे बोल्ड में दिया गया है अलग अलग स्टेट, अलग अलग टैक्स के जो नीचे आइटम्स आते हैं वो। तो यानी कि टैक्स वाइज यहाँ पे अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, 9-9%, तो उसके अंदर जो भी आइटम आती है वो सारी यहाँ पे है। फिर 12% वाला GST वाला यहाँ पे है, फिर 1% GST वाला यहाँ पे, फिर उसके बाद आता है निल रेटेड यानी कि 0 रेटेड, और उसके बाद आता है रेट्स नॉट कन्फिगर्ड, तो यानी कि इन तीन स्टॉक आइटम के रेट नॉट कन्फिगर्ड है, और यहाँ पे आता है GST नॉट एप्लीकेबल, तो यानी कि इनको GST एप्लीकेबल है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट है 18%, फिर 12%, फिर 1%, फिर निल रेटेड और नॉट कन्फिगर्ड, नॉट एप्लीकेबल। तो हाईएस्ट से लोएस्ट जाता है, तो आपको एक दिमाग में बैठ जाएगा कि ऊपर से नीचे जाना है हमको हाईएस्ट से लोएस्ट, और आप उस हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। फिर अगर मैं आपका ध्यान यहाँ पे ले जाऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्टार लिखा हुआ है, स्टार का नीचे नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप हैज आइटम्स विद मल्टीपल टैक्स रेट, सिंगल रेट कैनॉट बी सेट फॉर दिस स्टॉक ग्रुप, यानी कि अगर इस स्टॉक ग्रुप का आपको रेट सेट करना है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो स्टॉक आइटम है उनका मल्टीपल टैक्स रेट है। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम उसके अंदर जाएँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कीबोर्ड 18% वाला है, मोबाइल 12% वाला है, माउस भी 18% वाला है। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया था कि मोबाइल 12% है, कीबोर्ड 18% है, और माउस और 18% है। तो एक आइटम यहाँ पे 12% की है जो कि है मोबाइल, और दोनों 18% की है। तो अगर आपको पूरे ग्रुप को ही एक रेट में सेट करना है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग रेट वाले आइटम एक ही ग्रुप के अंदर हमने क्लासीफाई की है स्टॉक ग्रुप के अंदर। लेकिन अगर आपको वो करना है तो वो भी हो सकता है कि सारा
पूरा ग्रुप ही आपको एक रेट पे सेट कर देना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं कि आपको अगर कुछ भी चेंज करना हो डायरेक्टली तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे निल रेट नॉट कॉन्फ़िगर्ड वाले तीन आइटम हैं, जियो, ऑयल, रिलायंस। तो अगर मैं रेट नॉट कॉन्फ़िगर्ड में जाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमें टैक्सेबिलिटी में नॉट फाउंड मिल रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे जियो का ऑयल का रेट सेट करना है 18% फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पहले ऑयल को, फिर ऑल्टर प्लस एस प्रेस करूँगा या सेट रेट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ऑयल का जो डिटेल है वो खुल गया है जीएसटी का। अब मैं सीधा यहाँ पे एचएसएन या उसकी डिटेल डाल सकता हूँ, मान लीजिए 4567 है एचएसएन ऑयल का, और कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू एंटर करेंगे, टैक्सेबिलिटी में हम रखेंगे टैक्सेबल, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल में मान लीजिए है तो येस कर देंगे, इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट नहीं तो नो रखेंगे, यानी कि एलिजिबल है इनपुट क्रेडिट के लिए। और यहाँ पे टैक्स में हम 18% कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल स्टेट नॉनो हो जाएगा, और मान लीजिए सेस भी 1% लगता है एग्जाम्पल के लिए तो वो कर देंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स इसलिए एंटर कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखे कि सब रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है। एंटर करके सेव कर दिया, तो यहाँ पे ये रेट नॉट कॉन्फ़िगर्ड वाले ऑप्शन में से ऑयल निकल गया, क्योंकि ये रेट नॉट कॉन्फ़िगर्ड वाला मेन्यू है। तो हम बाहर जाएंगे और हम 18% वाले में जाएंगे तो हमें दिख जाएगा 18% में ऑयल, यहाँ पे ये रहा। अब 18% में मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, लेकिन हमने सेस भी ऐड किया है 1%, तो वो यहाँ पे अलग से दिखा रहा है उनका, क्योंकि इन सारे आइटम्स में सेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18%, 9%, 9%, सेस 1%, और सारा कॉलम में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, क्योंकि यहाँ से डेट वही होगी, आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा हमने ऑयल का कर दिया चेंज। अब हम आते हैं ग्रुप पे। अब इसमें लिखा हुआ है स्टार में नीचे कि हम मल्टीपल टैक्स रेट सेट नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए आपने एक ग्रुप ऐसा बनाया है जिसमें सारे मल्टीपल टैक्स रेट अलग अलग वाले हैं, और उनका आज से या कल से गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि सारे एक ही टैक्स रेट पे अब होगा, तो आप उसको एनफोर्स भी कर सकते हैं। या फिर गलती से आपने ऐसा ग्रुप बना दिया जिसमें अलग अलग रेट वाले, जीएसटी रेट वाले सब आइटम्स आपने कर दिए हैं इनपुट, और उस ग्रुप में गलती से वो हो गया, लेकिन असल में वो ऐसा था कि सारे ही एक ही रेट के हैं। तो यहाँ पे एक बार और फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, 18% है कीबोर्ड, 12% है मोबाइल, और माउस है 18%। मोबाइल में 12% लिखा हुआ ही है, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को ही 18% कर देंगे, यानी कि ये मोबाइल 12% जो लिखा हुआ है वो सिर्फ नाम में रहेगा, लेकिन यहाँ पे 18-18 हो जाएगा। वो कैसे कर सकते, उसका ऑप्शन है एनफोर्स रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टर प्लस एफ करके आप यूज़ कर सकते हैं सेट रेट के नीचे ही। तो मैं यहाँ पे पहले सिलेक्ट करूँगा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स और एनफोर्स रेट, और एनफोर्स रेट में वापस वही स्टॉक ग्रुप का जीएसटी डिटेल्स खुल गई है। अब इसमें हमें सेट करना है 18%, तो पहले हम यहाँ पे एचएसएन लिख देंगे, मान लीजिए 5566 एचएसएन है, और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नो, और 18% कर देंगे तो 18% हो जाएगा। अब ये करने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए, दिस विल सेट जीएसटी रेट फॉर स्टॉक ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस विल ऑल्सो इरेज टैक्स डिटेल्स फ्रॉम सब ग्रुप्स एंड आइटम्स अंडर इट। तो यानी कि इस ग्रुप के अंडर जो भी सारे सब ग्रुप्स होंगे और सारी आइटम्स होंगी, उन सारे जो स्टॉक सब ग्रुप्स और आइटम्स में जो जीएसटी रेट आपने सेट किया हुआ है या डिटेल्स सेट की हुई है, वो इरेज हो जाएगी और ये एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ध्यान से आपको करना है, अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो कुछ भी, तो ये ऑप्शन यूज ना करें। अगर आपको पक्का कॉन्फिडेंस है 100% कि ये ही ऑप्शन है, तो ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं एंटर करके सेव कर दूँगा। अब एक बार फिर से वार्निंग मिली मेरे को, जो मैं आपको वही बोल रहा था कि यहाँ पे ग्रुप का हम सेट करें तो सारे इरेज कर देगा करंट टैक्स कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ऑल सब ग्रुप्स एंड आइटम अंडर इट। तो ये वार्निंग एक बार और मिलेगी और एंटर करेंगे तो अपडेट हो गया। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बाहर ही दिख रहा होगा HSN और 18%, 9%, 9%। अब मैं इसके अंदर जाऊं तो आपको दिख रहा होगा तीनों तीन मोबाइल, हालांकि नाम में 12% है यहाँ पे, लेकिन उनका इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 18, 9, 9 हो चुका है। तो ऐसे आप एनफोर्स कर सकते हैं स्टॉक ग्रुप को, और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 हो जाएगा, या जो सबसे पहले की डेट होगी वो। तो ये है
आपका टैक्स रेट जीएसटी में, टैली में जीएसटी रेट सेटअप एक साथ सारा, ये उन लोगों को काम आ सकता है स्पेशली जो बिजनेस कर रहे हो पहली बार और उनको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था अब तक और अब हो गया है। यानी कि आपने पहले से स्टॉक आइटम्स आपकी सारी क्रिएट कर ली है लेकिन तब जीएसटी नहीं था, अब है तो आपको सेट करना है, तो आपको हर एक आइटम में जाके सेट नहीं करना पड़ेगा, आप एक साथ ही यहाँ पे सारा कर सकते हो। या फिर अगर आपको चेंज करना है प्रेजेंट जीएसटी रेट तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा एक ही साथ। तो एक साथ जब दिखता है तो हम डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का है, यानी कि कैसे हमें ये दिखता है, एक टैक्स रेट वाइज है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे रेट वाइज सारे दिख जाएंगे यहाँ पे 18%, 12%, 1% और निल रेटेड नॉट कॉन्फिगर, तो ये थोड़ा सा डिटेल कम हो गई। और अगर मैं ग्रुप वाइज करूँ तो वही हमें दिखेगा लेकिन ग्रुप अंदर की चीज़ें भी हमें दिख रही है। तो बस यही एक है, यहाँ से आप वो डिटेल देख सकते हैं। अगर मैं टैक्स रेट वाइज में जाऊँ और मान लीजिए मुझे निल रेटेड वाले आइटम्स ही देखनी है तो मुझे वो ही दिखेंगे, तो थोड़ा सा क्लटर कम हो गया और आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो ये था जीएसटी रेट सेटअप का ऑप्शन दोस्तों। टैली में मुझे पूरी अंदर से ऐसी है इच्छा कि आपको ये बहुत ही काम लगेगा आगे आने वाले आपके वक्त में, आपके समय में आपको बहुत ही काम लगेगा क्योंकि इससे बहुत सारा समय बचता है और आप जब एक साथ सारे स्टॉक आइटम्स देखते हो तो हो सकता है कुछ गलतियाँ वो भी निकल जाए तो वो भी बच जाएंगी, वो भी आपका समय बच जाएगा। अगर आपको इस वीडियो को देख के आपका टैली का नॉलेज एनहेंस हुआ है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे टैली स्कूल को और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दे धनाधन। तो मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो में, मतलब ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस में ज़्यादा घूमे नहीं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टैली स्कूल को। थैंक यू वेरी मच।